गुड इवनिंग ऑल, आपका स्कोर प्लस के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग BS PHCL का जो वैकेंसी आया है उसमें हम लोग इलेक्ट्रीशियन, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है आपका, हम लोग उसका PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग एक एक जो आपका सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, जो आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है उसको हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हम लोग ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, जिसमें आपके 5 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका जो स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल है उस पर आपका NCERT सीरीज चल रहा है, जिसमें आपका सुबह के 6 बजे 6 AM में आपका बायो और केमिस्ट्री की क्लास हो रही है। ठीक है, रेगुलर हो रही है, जो आपके राघव सर के द्वारा ली जा रही है। ठीक है, उसके बाद सुबह के 7 बजे मॉर्निंग से 7 AM में आपका BA CD का क्लास हो रहा है, जो आपके ERPK साही सर के द्वारा ली जा रही है। उसके बाद 9 AM में आपका जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का क्लास हो रहा है, जो आपका राघव सर के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अभी हमारा सेशन है 4:30 बजे का, वो हमारा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेशन, जो मेरे द्वारा लिया जा रहा है। उसके बाद NCERT फिजिक्स आपकी रेगुलर हो रही है 8 PM में। ठीक है, जो आपके ERPK साई सर के द्वारा लिया जा रहा है। ये सेशन आपके YouTube पर रेगुलर हो रही है, आप लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये जो आप लोग लोगो देख रहे हैं ये आपका एप्लीकेशन स्कोर प्लस का लोगो है और आपके YouTube का भी लोगो यही है। ठीक है ना, तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से इस लोगो को देख कर। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो ऐप्स है आपका उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। चलिए सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए रेलवे वल्ला जी, पारुल यादव जी, मिथिलेश कुमार जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, आप लोग का स्वागत है स्कोर प्लस के यूट्यूब परिवार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे हम लोग आ गए हैं, आप लोग आंसर कीजिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है शैथिल्य हानिया, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस जो होता है इनमें से किस पर निर्भर नहीं होता है। पूछ रहा है कि जो आपका हिस्ट्रेसिस लॉस है वो किस पर निर्भर नहीं होता है, नहीं के बारे में पूछ रहा है कि किस पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए, परिवेश के तापमान पर, आपका पदार्थ के आयतन पर, आवृत्ति पर, अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर, आपको बताना है कि जो आपका हिस्ट्रेसिस लॉस होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, नॉट है। ठीक है ना, नॉट है। चलिए आंसर कीजिए। चलिए पारुल यादव का ए आ रहा है, और लोग आंसर कीजिए। देखिए, अगर बात करें हिस्ट्रेसिस लॉस की, तो हिस्ट्रेसिस लॉस आपका किस लॉस में आता है, तो आपका आयरन लॉस में आता है। ठीक है, ये कहाँ होता है आपका, ये आपका कोर में होता है। ठीक है ना, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसके कोर में होता है। ठीक है, और आगे बात करें तो ये कैसा लॉस, ये आपका कांस्टेंट लॉस है या फिक्स लॉस है। ठीक है, इसका जो मान होता है लोड के साथ नहीं बदलता है। ठीक है ना, जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसका वैल्यू लोड परिवर्तन के साथ नहीं परिवर्तित तो होता है। ये सब हम हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में जानते हैं। अब आगे बात करें फार्मूला की, तो क्या होता है फार्मूला, pH और WH बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, KH जो आपका हिस्ट्रेसिस कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद BM पे पावर 1.6। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, V लिखते हैं, यही लिखते हैं, यही आपका क्या होता है, हिस्ट्रेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या है, ये आपका जो है अधिकतम फ्लक्स घनत्व है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है। ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ये भी बार बार पूछ लेते हैं आपसे। ये आपका F क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और आपका V क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम होता है।
तो आप लोग देख लीजिए किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वॉल्यूम पर बिल्कुल डिपेंड करता है, आवृत्ति पर बिल्कुल डिपेंड करता है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर बिल्कुल डिपेंड करता है, ये आपका परिवेश के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, आपका हिस्टेरेसिस लॉस। तो आपका पूछ रहा था किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल मिथिलेश कुमार का टेम्परेचर आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सबों का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है, जो आपका बकलज रिले जो होता है इज अ प्रोटेक्शन रिले यूज्ड इन वाइल्ड इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है कि जो आपका बकलज रिले होता है उसका हम लोग किस में यूज करते हैं, वाइल्ड इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन डज वकलज रिले विल नॉट ऑपरेट, किस कंडीशन में जो आपका वकलज रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर गैस के बुलबुले बनते हैं तब ऑपरेट नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का कोई संचालन नहीं होता है, ट्रांसफार्मर का तेल संचरण टैंक से मुख्य तक तेजी से बहता है। फिर बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है, किस स्थिति में है जो आपका ये बकलज रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगा, आप लोग को आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए। देखिए अगर बात करें बकलज रिले का तो आपको क्या बताए थे, ये जो आपका रिले होता है वकलज रिले जो होता है आपका ये क्या करता है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो जब भी आंतरिक दोष उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर में, जब भी इंटरनल फॉल्ट्स उत्पन्न होते हैं तो ये क्या करता है, इंटरनल फॉल्ट्स जब आते हैं तो ये क्या करता है, अलार्म बजाता है। ठीक है ना, ये इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओनली इंटरनल फॉल्ट से, ओनली आंतरिक दोष से, ठीक है ना, ये बाह्य दोष से ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है और ऑप्शन में ऐसे भी देता है, आंतरिक दोष से, या आपका ऑप्शन बी में रहता है बाह्य दोष से, और ऑप्शन सी में रहता है बोथ आंतरिक और बाह्य दोनों से। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा जो आपका बकलज रिले जो होता है ये ओनली इंटरनल फॉल्ट से आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आपको क्या बताए थे, उसके बाद आपको बताए थे कि ये जो आपका बकलज रिले होता है ये कैसे ऑपरेट होता है, तो ये गैस दाब से ऑपरेटेड रिले होता है, गैस दाब से ये ऑपरेटेड रिले होता है। और अगर आपका ट्रांसफार्मर में वाइल का लेवल गिर जाता है तो ये क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका होगा ही नहीं, फॉर्म्ड इनसाइड ये जो आपका गैस बबल इससे कोई लेना देना नहीं है, और आपका फ्लोज रैपिडली फ्रॉम कंजर्वेशन टैंक टू मेन टैंक इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है बकलज रिले का। लेना देना किससे है, वाइल का लेवल गिर जाता है, जब वाइल का लेवल गिर जाता है तो क्या होता है, आपका बकलज रिले काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या बोल रहा है, लीड्स टू नो मूवमेंट ऑफ बफल प्लेट, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है, इससे क्या होता है, बफल प्लेट से ये मूवमेंट ऑफ बफल प्लेट होता है, ठीक है ना, बफल प्लेट का संचालन होता है। ठीक है, तब आपका काम करना बंद कर देगा, जब ट्रांसफार्मर का जो तेल का लेवल है वो नीचे आ जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, बफल प्लेट जिससे संचालन होता है वो अगर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका बकलज रिले है वो आपका काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए डिंपल कुमारी जी स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर आर कॉल्ड फेरो रिजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसको फेरो रिजोनेंट ये ट्रांसफार्मर रेगुलेटर कहा जाता है। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है कि फेरो रिजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर किस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है,
कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, आपका वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, किसको बोला जाता है फेरोरेजोनेंट ट्रांसफार्मर, चलिए बताइए। फेरोरेजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर किसको बोला जाता है? अच्छा, आपको बताए थे जो आपका रेगुलेटर होता है, ठीक है, रेगुलेटर के बारे में क्या बताए थे, जो ये क्या करता है, रेगुलेटर जो होता है आपका रेगुलेट करता है वोल्टेज को, क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करना मतलब कांस्टेंट बना के रखता है, ठीक है, यही बताए थे। तो अगर बात करें तो वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर भी नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका जो 11 kV होता है इसको क्या करता है, ये आपका इसको लोअर वोल्टेज लेवल पे कन्वर्ट करके आपका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो जाएगा। जब भी आपका ये फेरोरेजोनेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात करेगा, फेरोरेजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर की बात करेगा, तो रेगुलेटर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है वोल्टेज को, ठीक है ना, रेगुलेट करना मतलब स्थिर बना के रखता है। तो क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, बिल्कुल मिथिलेश कुमार जी का ए, डिंपल कुमारी जी का ए, एम कुमार जी का ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इन अ ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर में इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, अगर जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से क्या है, अधिक है, तो वो किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर और ऑन डीसी सप्लाई, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर है जो आपका डीसी सप्लाई पर है, ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, या आपका क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर है ये बोलेंगे, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब आपका सेकेंडरी वोल्टेज मतलब V2 ज़्यादा है किस से, V1 से, आपका यही बोल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे जब रहता है तब क्या बोलते हैं, ठीक है, और V2 आपका क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है और आपका V1 क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है। चलिए बताइए, ये आपका क्या है, V2 सेकेंडरी वोल्टेज है, V1 आपका क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज है V2 वो किससे ज़्यादा है, आपका प्राइमरी वोल्टेज V1 से ज़्यादा है, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, चलिए बताइए आप लोग। चलिए 94 का डी आ रहा है एम कुमार जी का, पारुल यादव जी का डी आ रहा है, डिंपल कुमारी का डी आ रहा है, रेलवे वाला का डी आ रहा है, मिथिलेश कुमार का डी आ रहा है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो बिल्कुल सही है, सबों का सही है। इसमें अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो क्या हो जाएगा, हम लोग और भी जानते हैं N2 जो है ये N1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद I2 जो है वो क्या हो जाएगा, I1 से कम हो जाएगा, जो आपका प्राइमरी साइड का करंट है वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी साइड के करंट से, ठीक है, यही हम लोग जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यही होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है, चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ गए हम लोग। द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज अ, पूछ रहा है आपसे, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, करेंट ट्रांसफार्मर होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, चलिए बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलिए आंसर कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है पारुल यादव का, एम का, और लोग आंसर कीजिए। तो देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये क्या करता है, ये आपका जो
11 के भी जो आपका ट्रांसफार्मर के पास आता है वो कितना आता है, 11 के भी आता है। इसको स्टेप डाउन करके, स्टेप डाउन करके जैसे हमारे घर में आता है वो जो हमारा घर का अप्लाइंसेस वगैरह है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे अप्लाइंसेस वगैरह जो घर में हम लोग यूज करते हैं ये कितना वोल्ट पे चलता है, तो कितना पे चलता है, 230 वोल्ट पे, ठीक है ना, आपका 230 वोल्ट पर चलता है। 220 से 240 आपका रेंज होता है, 230 हम लोग टिपिकल वैल्यू लेके चलते हैं कि 230 पे चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, आपका जो 11 के भी होता है, 11 के भी का मतलब 11000 जो वोल्ट होता है उसको क्या करता है, 440 वोल्ट और 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसा ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। चलिए चलिए, बिल्कुल सबों का बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है, निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा जो है वो ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है, या सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कौन सा है जो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो देखिए ये कंजर्वेटर, कंजर्वेटर आपका ट्रांसफार्मर का भाग है या नहीं है आपको बताना है। ब्रीदर आपका, बकलज रिले आपका, एक्साइटर कौन है जो आपका ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, चलिए बताइए, आंसर कीजिए। आपका फिगर भी बना हुआ है, फिगर भी डाल दिए हैं, चलिए आंसर कीजिए। नाइन्टी सिक्स का डी आ रहा है, एम का डी आ रहा है, पारुल यादव का डी आ रहा है, डिंपल कुमारी का डी आ रहा है, और लोग आंसर कीजिए। तो देखिए अगर बात करें तो कंजर्वेटर बिल्कुल ट्रांसफार्मर का पार्ट है, बकलज रिले भी पार्ट है, आपका ब्रीदर भी पार्ट है, एक्साइटर आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, हम लोग को यही बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइटर हो जाएगा, ये आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं होता है। अब आपको ये बताना है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कंजर्वेटर है, ये आपका क्या है, ये आपका ब्रीदर है, उसके बाद आपका रिले, रिले आपका क्या होता है, रिले आपका बीच में होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिले है। अब आपको काम बताना है कि कंजर्वेटर क्या काम करता है, कंजर्वेटर का काम क्या है, कंजर्वेटर क्या काम करता है, आपको बताए थे कंजर्वेटर का काम, ठीक है, थ्योरी में तो हुआ ही है और आपका क्वेश्चन में भी हो चुका है कि कंजर्वेटर का काम क्या है। चलिए बताइए कंजर्वेटर का क्या काम है, बकलज रिले का क्या काम है और ब्रीदर का क्या काम है, चलिए सारे का काम बताना है आप लोग को। चलिए तो अगर बात करें कंजर्वेटर के बारे में तो ये क्या करता है, कंजर्वेटर के बारे में आपको बताए थे कि कंजर्वेटर आपका क्या करता है, जो आपका वाइल का लेवल है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ये आपका वाइल के लेवल को मेंटेन करके रखता है, फर्स्ट काम। दूसरा काम क्या बताए थे आपका, जब वाइल आपका क्या होता है, एक्सपैंड होता है और क्या होता है, श्रिंक करता है, ठीक है, आपका दोनों केस में ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है, दोनों केस में क्या करता है ये कंजर्वेटर जो होता है उसको स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बकलज रिले है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं, ये क्या करता है, जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट्स जब आता है तब ये क्या करता है, बकलज रिले है वो अलार्म देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता चल जाता है कि आपका फॉल्ट्स आया है। उसके बाद ये कैसा रिले है, तो आप जानते हैं ये गैस ऑपरेटेड रिले है, ठीक है ना, गैस दाब से ऑपरेटेड रिले होता है बकलज रिले, ठीक है, बकलज रिले जो होता है ये गैस दाब से ऑपरेट होता है। उसके बाद आप क्या जानते हैं, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो आपका बकलज रिले होता है, बकलज रिले कहाँ रहता है, तो आपका कंजर्वेटर और आपका जो ये ब्रीदर है उसके बीच में है, देख लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कंजर्वेटर और मेन टैंक, जो आपका मेन टैंक होता है उसके बीच में आपका बकलज रिले होता है, ठीक है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में आपका बकलज रिले होता है। उसके बाद अगर बात करें ब्रीदर का, तो ब्रीदर में हम लोग देखे थे कि ब्रीदर में आपका एक केमिकल डाला जाता है, केमिकल का क्या नाम है, तो सिलिका जेल, जो सिलिका जेल होता है वो क्या करता है, आपका अगर एयर के साथ जो आपका जिस टाइम आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम आपका
क्या होता है, एयर एयर आकर भर जाता है टैंक में, तो एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी आने की चांसेस रहती है। अगर मॉइस्चर आ जाता है तो जो आपका ब्रीदर में सिलिका जेल डाला हुआ रहता है वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो तीनों का काम आप लोग को पता होना चाहिए, तीनों का काम आपका अलग अलग पूछ लेता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा सारा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्या बोल रहा है, दो ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता, ठीक है, कि के लिए दो ट्रांसफार्मर है उसके सिंक्रोनाइजेशन के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है। तो देखिए, गति और उत्तेजक वोल्टेज समान होने चाहिए, जो गति है और उत्तेजक वोल्टेज है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। उसके बाद बोल रहा है गति आवृत्ति और वार एक समान होना चाहिए। फिर बोल रहा है गति और भार बराबर होने चाहिए। चलिए बताइए कौन सा है जो दो ट्रांसफार्मर अगर है तो दोनों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ऐसा होना ही चाहिए। चलिए 97 का आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए, 97 का आंसर कीजिए। 97 का बी आ रहा है, एम का बी आ रहा है, पारुल यादव का बी आ रहा है, डिंपल कुमारी का बी आ रहा है। चलिए देखते हैं, तो अगर गति की बात करें तो गति जब आ गया तब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफार्मर में क्या बोले थे, ट्रांसफार्मर आपका एक स्टेटिक डिवाइस होता है, उसमें गति से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया, गति से कोई मतलब नहीं है ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, इसीलिए इसमें बताए भी आपको कि इसमें फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, जीरो होता है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो आपका सेकेंड है आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम, बिल्कुल सही बात है, आपका समान होना चाहिए तभी आपका क्या होगा, आवृत्ति भी सेम होना चाहिए, वोल्टेज और फेज अनुक्रम भी समान होना चाहिए, तभी आप दो ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है गति, फिर गति आ गया, कहानी खत्म, आपका ऑप्शन डी में भी गति है नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है, सबों का ऑप्शन बी आया है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, चलिए सबों का बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। चलिए, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है आपको बताना है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें नो लोड करंट का वैल्यू कितना होता है आपको बताना है। 5 से 10% होता है, 15 से 20% होता है, 2 से 5% होता है, 10 से 15% होता है, कितना होता है चलिए बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नो लोड करंट का वैल्यू कितना होता है, चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है पारुल यादव का, मिथिलेश कुमार का, चलिए, और बी बिल्कुल सही आंसर है। नो लोड करंट के बारे में बताए थे कि आपका जो नो लोड करंट का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2% से आपका 5% होता है, 2% से आपका क्या होता है, 5% होता है। इसको ये अगर नो लोड करंट की बात करें तो I नॉट बराबर क्या बताए थे, अंडर रूट क्या बताए थे, जो आपका वर्किंग करंट होता है उसका स्क्वायर, और प्लस जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट होता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर होता है आपका नो लोड करंट, इसका वैल्यू क्या होता है, 2% से 5% होता है। चलिए, बिल्कुल 2% से 5% बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है 10 KVA 10 KVA का ट्रांसफार्मर है, जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग कितना है, 10 KVA। ठीक है, उसके बाद 1100/400 volt दिया हुआ है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, 1100 का मतलब ये V1 दिया हुआ है, ये आपका V2 है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एकल फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं, मतलब कि N2 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 100। फिर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं तो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, गिवेन क्या क्या है, ये 10 KVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 10 KVA ट्रांसफार्मर का रेटिंग है। उसके बाद V1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका, 1100 दिया हुआ है वोल्ट,
वी टू इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका 400 वोल्ट दिया हुआ है, एन वन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एन टू दिया हुआ है ना, एन टू इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका, द्वितीयक में दिया हुआ है एन टू इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 फेरे 100, एन वन इक्वल्स टू पूछ रहा है वाट। चलिए एन वन इक्वल्स टू बता दीजिए क्या होगा, चलिए आंसर कीजिए, सॉल्व करके बताइए क्या हो जाएगा। चलिए पारुल यादव का ए आ रहा है, और लोग आंसर कीजिए, सॉल्व करके बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इतना सारा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्या जानते हैं रिलेशन हम लोग, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, यही जानते हैं, यही जानते हैं। तो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, पुट कर दीजिए V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, यही है। यहाँ से अगर हम लोग N1 निकालें, N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 इक्वल्स टू N2 अपॉन V2 इंटू V1, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। चलिए अगर बात करें, अगर बात करें तो देखिए N2, N2 आपका क्या है 100 है, आपका V2 क्या है 400 है, ठीक है, आपका V1 क्या है, V1 आपका है 1100। चलिए कैंसिल कीजिए क्या हो जाएगा, दो डेसी ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और आसानी से कैंसिल करते इधर वाला कर देते तो और अच्छा रहता, चलिए उधर वाला ही करते हैं, ईजी बनाते हैं कैलकुलेशन को। 400 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, चार से आपका चार गुना आठ पाँच, पच्चीस चौक सौ, ठीक है, पच्चीस गुना ग्यारह कितना होता है, पच्चीस गुना ग्यारह अगर बात करें तो 250 प्लस 25 कितना हो जाएगा 275, 275 आपका हो जाएगा क्या, आपका प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा कितना 275, 275 लपेटें होंगी, ठीक है ना, आपका प्राथमिक जो बाइंडिंग होगा, प्राथमिक जो कुंडली होगी उसमें कितने टर्न्स होंगे, 275 टर्न्स होंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबों का बिल्कुल सही है 275, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है परिणामित्र ट्रांसफार्मर में कोर पटलन लेमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए बताइए, कागज के द्वारा किया जाता है, संवेजित ये जो आपका संवेचित कागज होता है उसके द्वारा किया जाता है, या वार्निश के द्वारा किया जाता है, या सूती टेप के द्वारा किया जाता है, चलिए बताइए जो आपका इंसुलेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, चलिए आंसर कीजिए 100 का आंसर कीजिए, किसके द्वारा किया जाता है, चलिए बताइए आप लोग किसके द्वारा किया जाता है। चलिए बिल्कुल रोहित सोनी का आ रहा है वार्निश, और बिल्कुल सही आंसर है, रोहित सोनी जी का बिल्कुल सही आंसर है वार्निश, पारुल यादव जी का भी बिल्कुल सही आंसर है सी वार्निश, वार्निश के द्वारा क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आपका कोर होता है उसका लेमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, वार्निश के द्वारा किया जाता है। और हम लोग लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो आपको पता है लेमिनेशन करने से क्या होता है, लेमिनेशन करने से आपका ईडी करेंट लॉस क्या हो जाता है, ईडी करेंट लॉस है जो रिड्यूस हो जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम लोग किस लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन करते हैं, तो ईडी करेंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, और किससे करते हैं, वार्निश से, ठीक है ना, को कम एलिमिनेशन करने से ईडी करेंट लॉस जो भंवर धारा हानि होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ईडी करेंट लॉस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लेमिनेशन का थिकनेस बताना है आपको, ठीक है, जो लेमिनेशन होता है थिकनेस कितना होता है, थिकनेस जो मोटाई होती है लेमिनेशन की वो कितनी होती है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको बताएं कि लेमिनेशन जो होता है उसका थिकनेस कितना होता है, तो क्या होता है 0.35 mm से
0.5 mm होता है, ठीक है ना, ये आपका लेमिनेशन का थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन क्या होता है, 0.35 mm से 0.5 mm होता है, ये अभी ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और किससे किया जाता है, वार्निश से किया जाता है, ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, हैज़ 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न्स। बोल रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें 400 लपेटें हैं प्राइमरी में, ठीक है, 400 नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में, आपका 1000 टर्न्स है सेकेंडरी में। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 60 cm², जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 60 cm² है, ठीक है। उसके बाद इफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 50 Hz, बोल रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है 50 Hz सप्लाई से कनेक्टेड है, और कितना सप्लाई दिया गया है, 520 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम जो फ्लक्स डेंसिटी BM होता है, फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, BM से, उसी का वैल्यू आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो कैलकुलेट करके बताइए क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर करना है आप लोग को। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, अगर बात करें तो क्या क्या गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं आपका N1 जो है वो दिया हुआ है कितना है, 400, चलिए ठीक है। N2 जो है वो दिया हुआ है 1000, चलिए हो गया, ये दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, A जो है क्या दिया हुआ है, 60 cm², इसको क्या करेंगे, इसको SI यूनिट में चेंज कर लेंगे, हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं किस में करते हैं, SI यूनिट में करते हैं। अगर कोई भी डेटा SI यूनिट में नहीं दिया हुआ है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले SI यूनिट में चेंज करते हैं उसके बाद आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं। तो चलिए कीजिए, 60 × क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ m², क्लियर है। अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है कितना से, सप्लाई है आपका 520 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी है 50 Hz। चलिए F का जो वैल्यू है ये क्या है, 50, और आपका जो सप्लाई है जो आपका V1 है, सप्लाई मतलब क्या, V1, ये आपका 520 वोल्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी जो आपका BM है इसको कैलकुलेट करने बोल रहा है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, BM निकालना है, तो BM इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, BM इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं, अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की बात करें या सिंपली फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, तो फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, φ/A, यही होता है, φ/A होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इसका वेबर पर m² होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, यही हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग यहाँ पे BM कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो BM क्या हो जाएगा, φ/A हो जाएगा, यही हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, ये आपका गिवन है, φm निकाल लेंगे, φm कहाँ से निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, E1 ही लिखते हैं, इंड्यूस्ड EMF लिखते हैं, जो आपका क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, तो E1 भी आपका क्या हो जाएगा, 520 वोल्ट ही होगा, ये हम लोग को पता है। तो चलिए E1 इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, 4.44 N φm F, यही जानते हैं, यहाँ से हम लोग φm कैलकुलेट कर लेंगे, φm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन क्या हो जाएगा, 4.44 N जो है, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, N और F हो जाएगा, यही हो जाएगा। इससे आप लोग हमको φm कैलकुलेट करके बताइए कि कितना आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BM इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 101 का सी आ रहा है नीतीश कुशवाहा का। चलिए और लोग आंसर कीजिए, एक लोग का आंसर आया है सी, और लोग आंसर कीजिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, 520, चलिए उसके बाद 4.44 है, उसके बाद एन का वैल्यू क्या है, N1 लेंगे, E1 लिख रहे हैं तो N1 लेंगे, क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, F फ्रीक्वेंसी 50 Hz दिया हुआ है। चलिए अब ये दो डेसिमल को हटा के ऊपर दो जीरो लिख देते हैं, ठीक है, दो अंक के पहले जो डेसिमल है उसको हटा के ऊपर दो जीरो लिख देते हैं। अब 50 × 100, ठीक है,
उसके बाद ये दो से उड़ा देते हैं 222, ठीक है। अब ये एक जीरो उड़ा देते हैं, ये 26 × 52 111। अब देखिए 13 और 20, चलिए इतना तो आया, कैंसिल करके 13 बटा 13 बटा क्या आ रहा है, 2, 2, 2 और 0। चलिए कितना वैल्यू आएगा बताइए, 13 बटा 2, 2, 2, 0 कितना आएगा बताना है आप लोग को, 0.00058 आएगा, ठीक है ना, 0.00058 आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये 5m का वैल्यू आएगा इतना, ठीक है। अब ये 5m जो आया है आपका इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, bm का वैल्यू आ जाएगा, तो पुट कीजिए, चलिए इधर करते हैं, bm निकालना है, 5m का वैल्यू क्या आया है, 0.00058 आया है, अपॉन a, एरिया क्या है आपका 60 × 10⁻⁴ है, चलिए 60 × 10⁻⁴ यही है आपका। अगर बात करें तो इसको आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 प्लेस के पहले डेसिमल है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका ये एक पे, ये 10 पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है, एक पे आपका क्या आ जाएगा, 4 0, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 58 अपॉन क्या हो जाएगा, 10⁴, और ये इंटू 60, और ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 58 अपॉन 60 हो जाएगा, तो 29 × 58 और 30 × 60 29/30 आ रहा है, जो आपका क्या हो जाएगा, 29/30 ये एक के लगभग बराबर है, एक से थोड़ा बहुत ही कम है, देखिए 29/30 कहने का मतलब है कि एक से ये थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है, स्लाइटली लेस देन वन होगा, मतलब कि लगभग एक के बराबर ही होगा। तो देखिए 1.56 नहीं होगा, 0.78 नहीं होगा, 1.23 नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, 0.976 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 29/30 आ रहा है जो लगभग एक के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका बीएम का वैल्यू है आपका क्या आ जाएगा, 0.976 वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए कभी कभी पूछ लेता है मिथिलेश कुमार जी का, बिल्कुल सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, चलिए क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर है आपका 102, ठीक है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में, जो आपका ट्रांसफार्मर का ब्रीदर होता है, उसके बाद खाली स्थान दिया है, रंग का ताजा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है, आपसे पूछ रहा है कि जब आपका सिलिका जेल, जो हम लोग ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो केमिकल डालते हैं, जो रसायन डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिलिका जेल बोलते हैं, जो आप क्या करता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इतना तो हम लोग को पता है। उसके बाद पूछ रहा है कि जब हम लोग सिलिका जेल फ्रेश डालते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग फ्रेश सिलिका जेल डालते हैं ब्रीदर में, तब उसका कलर क्या होता है, ठीक है, तब उसका कलर क्या होता है जब वो ताज़ा होता है, चलिए बताइए, हरा होता है, बैगनी होता है, नीला होता है या सफ़ेद होता है, किस कलर का होता है आपको बताना है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर कीजिए। पारुल यादव का सी आ रहा है, अंशु कुमार का सी आ रहा है, रोहित सोनी का नीला आ रहा है, मिथिलेश कुमार का सी आ रहा है, देखिए। और अगर बात करें सी की तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर फ्रेश सिलिका जेल की बात करें तो क्या होता है, नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर होता है। और वही अगर मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और उसमें अब कैपेसिटी ना बचे कि वो आगे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना, उस टाइम उसका कलर क्या हो जाता है, तो ये आपको बताना है कि जब सिलिका जेल का ये कलर पूरा, जब सिलिका जेल पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें कैपेसिटी नहीं बचता है कि आगे और भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके, उस समय उसका कलर क्या हो जाता है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए, चलिए 102 का सी आ रहा है, नीतीश कुशवाहा जी का, अंशु कुमार जी का, चलिए रोहित सोनी का पिंक। चलिए अगर बात करें तो बिल्कुल, जब
ये खराब हो जाता है सिलिका जेल, तो क्या हो जाता है कलर, लास्ट में कलर जो हो जाता है वो हो जाता है पिंक हो जाता है, ठीक है ना, ये पिंक हो जाता है। मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है जब और ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रहती है तब, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ऐसे आपको ज़्यादातर पिंक ही मिलेगा, ठीक है ना, ज़्यादातर आपको पिंक ही मिलेगा, ऐसे वाइट भी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है, कुंडलन जो आपका बाइंडिंग होता है, प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियां को क्या कहा जाता है, जो आपका बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग रेसिस्टेंस, उसकी वजह से होने वाली हानि को क्या बोला जाता है, आप लोग को बताना है, ताम्र हानियां, शैथिल्य हानियां, लौह हानियां या भवरधारा हानियां, आपका कॉपर लॉस बोला जाता है, आयरन लॉस बोला जाता है, या हिस्टेरेसिस लॉस बोला जाता है, या ईडी करंट लॉस बोला जाता है, ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में जो रेसिस्टेंस होता है उससे होने वाली हानियां को क्या बोला जाता है, उससे होने वाली लॉसेस को क्या बोला जाता है, बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर कीजिए आप लोग। पारुल यादव का ए आ रहा है, रोहित सोनी का ए आ रहा है, अंशु कुमार का ए आ रहा है, और आपका ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। आपको बताए थे, अगर बात करें हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस की, तो ये क्या है, ये आपका आयरन लॉस का ही तो पार्ट है, इसको अलग अलग करके लिख दिया है, ये आपका हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस क्या है, आपका आयरन लॉस का ही पार्ट है, ठीक है ना, जो आपका कहाँ होता है, जो आपका कोर में होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर कोर होता है उसमें होता है। अगर बात करें बाइंडिंग रेसिस्टेंस का, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण आपका कॉपर लॉस होता है, उसके कारण आपका क्या होता है, कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, जो आपका कौन सा लॉस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं, और यही आपका जो आर है, ये आपका बाइंडिंग का रेसिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बाइंडिंग के रेसिस्टेंस के कारण कौन सा लॉस होता है, तो आपका आई स्क्वायर आर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, ये आपका लोड के साथ क्या होता है, परिवर्तित तो होता है, ठीक है ना, ये लोड के साथ आपका वैरी करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज बताइए, जब आपका कॉपर लॉस और आपका आयरन लॉस, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं आप लोग, कॉपर लॉस के बारे में भी जानते हैं और आयरन लॉस के बारे में जानते हैं, जब आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होगी तब इफिशियंसी कितना होगा, ठीक है ना, और मैक्सिमम इफिशियंसी का कंडीशन क्या होता है, आपको ये भी बताना है, ठीक है ना, इफिशियंसी कितना होगा और मैक्सिमम इफिशियंसी का, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी बताना है आपको, क्या बोल रहे हैं, जब आपका PI बराबर होगा क्या, PCU, ठीक है, तब इफिशियंसी जो है कितनी होगी, आपको ये बताना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, आपको ये बताना है, ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बताना है, आपका PI और PCU अगर बराबर है तो इफिशियंसी क्या होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और आगे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है, बिल्कुल 50% होता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लेता है, और ये जो आपका कंडीशन है ये आपका बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब प्राप्त होती है, तो जब आपका आयरन लॉस और आपका कॉपर लॉस बराबर होता है तब आपका मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, तो 50% होता है, ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पूछ रहे हैं, ऐसे अगर बात करें ट्रांसफार्मर का, तो जो भी मशीन है उसमें से सबसे ज़्यादा इफिशियंसी आपका ट्रांसफार्मर का ही होता है, 90-98% होता है, ठीक है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बात कर रहे थे, जिसका मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, 50% होता है, ये भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान में रखिएगा सारी बातें,
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर पे आ गए हम लोग। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पर, रेडियो जो आवृत्ति होती है उस पर, जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उस पर, आपका ईडी करेंट्स पे जो आपका भंवर धारा होता है उस पर आधारित होता है, या फोटो रेडिएशन पे, फोटो विकिरण पे आधारित होता है। चलिए बताइए आप लोग, जो आपका ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, चलिए बताइए। चलिए बताइए, जो मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, जो मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, आप भी मेहनत कीजिए आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 104 है, 104 का आंसर कीजिए। 104 का बी आ रहा है, एम जी का, पारुल यादव जी का बी आ रहा है, चलिए अंशु कुमार का बी आ रहा है, विक्की वसंत का बी आ रहा है, नीतीश कुशवाहा का बी आ रहा है, रोहित सोनी का, चलिए बिल्कुल बी आ रहा है। अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिकली क्या होता है, कपल्ड होता है, मैग्नेटिकली क्या होता है, कपल्ड होता है। इसमें आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है आपका क्या होता है, आपका सेकेंडरी से क्या करता है, लिंक करता है, सेकेंडरी के साथ क्या करता है, लिंक करता है, और बीच में आपका क्या रहता है, बीच में आपका आयरन कोर रहता है। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो अगर बात करें तो देखिए, अगर इसमें प्राइमरी में करेंट फ्लो कराएं, ठीक है, प्राइमरी में करेंट फ्लो कराएं, तो फ्लक्स क्या होगा, आपका फ्लक्स का फ्लो होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जब जिसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं बस उसी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब अगर बात करें ट्रांसफार्मर में, तो क्या इधर साइड हम लोग कोई सप्लाई देते हैं, तो कोई सप्लाई नहीं देते हैं, इसी का फ्लक्स जो है वो क्या होता है, सेकेंडरी के साथ क्या करता है, लिंक करता है, और सेकेंडरी में भी क्या होता है, सेकेंडरी में भी आपका फ्लक्स का, ये जो आप देखते हैं फ्लक्स का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है ना, आपका फ्लक्स का फ्लो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी के कारण जो सेकेंडरी में आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका अपना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग सोर्स लगाए हैं, ये जो आपका प्राथमिक जो बाइंडिंग है, प्राथमिक जो कुंडली है, उसमें हम लोग सप्लाई दिए और उसके कारण क्या हो गया, आपका सेकेंडरी में भी फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका काम करता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल, रोहित सोनी जी यूपी से हैं, तब भी आप भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, इफ द प्राइमरी पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, बोल रहा है कि कोई ट्रांसफार्मर क्या है, आइडियल है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, और प्राइमरी पावर कितना है, प्राइमरी पावर आपका दिया हुआ है 100 वाट, प्राइमरी पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, और उसका जो वोल्टेज रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 2:1, 2:1 क्या है, वोल्टेज रेशियो है, तो सेकेंडरी का पावर पूछ रहा है। आपका कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है 2:1 और प्राइमरी का पावर दिया हुआ है 100 वाट, और आपसे बोल रहा है कि सेकेंडरी का पावर क्या होगा, आपको ये बताना है, आपसे ये पूछ रहा है 25 वाट होगा, 100 वाट होगा, 200 वाट होगा, या 0 वाट होगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग, विक्की वसंत जी का सी आ रहा है, रेलवे वल्ला जी का, चलिए पारुल यादव जी का सी आ रहा है, एम जी का सी आ रहा है, चलिए 100 वाट आ रहा है,
नीतीश कुशवाहा जी का ये बी आ रहा है। चलिए और लोग आंसर कीजिए, अंशु कुमार जी का सी आ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो आपको बताए थे जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसका डिफिनेशन क्या बताए थे आपको, बहुत बार बताए हैं कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है जो आपका क्या करता है, पावर का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, पावर का ट्रांसफ़र करता है। और इसका पावर का ट्रांसफ़र करने का कंडीशन क्या बताए थे कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कि प्राइमरी में जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही आपका क्या होगा, सेकेंडरी में फ्रीक्वेंसी होगा। और उसी कंडीशन पे ये क्या करता है, पावर का आपका ट्रांसफ़र करता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर का ट्रांसफ़र करता है। तो अगर बात करें तो जो पावर प्राइमरी में है वही आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में हो जाएगा। और ये कंडीशन तो और मतलब कि दिया हुआ है, ये सब जो आपका दिया हुआ है वोल्टेज रेशियो 2:1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये आपको बस ऐसे ही उलझाने के लिए दिया है। ठीक है, तो प्राइमरी में जो पावर होगा वही आपका सेकेंडरी में भी पावर होगा। पावर का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, तो हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन अगर करते हैं तो क्या करते हैं, आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, करंट आपका घट जाता है, पावर क्या होता है, ओवरऑल आपका सेम ही रहता है। ठीक है ना, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, पावर आपका हो जाएगा 100 वाट ही रहेगा आपका सेकेंडरी में भी पावर। ठीक है, चलिए फ्लक्स नहीं, पावर एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, पावर एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पावर एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, फ्लक्स नहीं फ्रीक्वेंसी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर में लौह कोर जो आपका आयरन कोर होता है प्रदान किया जाता है, किस लिए प्रदान किया जाता है आपको बताना है, चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए, ईडी धारा एवं हिस्ट्रेसिस धारा हानि कम करने के लिए, प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य कपलिंग प्रदान करने के लिए, चुंबकीय धारा बढ़ाने के लिए। चलिए बताइए आप लोग, चलिए बताइए 106 का आंसर कीजिए आप लोग। सी आ रहा है, और लोग आंसर कीजिए। देखिए अगर बात करें क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर में लौह कोर जब आपको थ्योरी पढ़ाए थे तब बताए थे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर में आयरन कोर किस लिए डालते हैं हम लोग, तो आयरन कोर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपका क्या हो, हम लोग कोर कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कोर इस टाइप से होना चाहिए कि उसका उसका क्या हो, परमेबिलिटी क्या हो, परमेबिलिटी आपका हाई रहे, परमेबिलिटी आपका क्या रहे, हाई रहे। और रिलक्टेंस जो आपका रिलक्टेंस होता है वो क्या रहे, लो रहे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आयरन कोर सेलेक्ट करते हैं ना, इसी बेसिस पे हम लोग आयरन कोर सेलेक्ट करते हैं ना। और अगर हम जानते हैं कि अगर आइडियल है ट्रांसफार्मर, अगर आइडियल है आदर्श ट्रांसफार्मर है, तब उस केस में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो परमेबिलिटी, जो आपका परमेबिलिटी होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और रिलक्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है पाथ का। तो यहाँ तो आइडियल वगैरह केस नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी हाई रखनी है और रिलक्टेंस क्या रखना है, लो रखना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग आयरन कोर का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग आयरन कोर का यूज करते हैं, चुंबकीय पथ का पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन कोर का यूज करते हैं। और अगर बात करें रिलक्टेंस की, तो देखिए RL इक्वल्स टू आप लोग क्या जानते हैं, L अपॉन म्यू ए जानते हैं। और म्यू जो है आपका, यही आपका क्या है, परमेबिलिटी है, जो आपका क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और देखिए म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू आप लोग जानते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। और म्यू आर की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात होगी, आयरन की। आयरन का परमेबिलिटी क्या होता है, आयरन का परमेबिलिटी क्या होता है, हाई होता है। आयरन का परमेबिलिटी क्या होता है, हाई होता है, कितना होता है, 2000 से 6000 होता है।
ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस आपका कम हो जाएगा, रिलक्टेंस आपका कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग आयरन कोर का यूज करते हैं, ताकि क्या हो सके, जो आपका रिलक्टेंस है चुंबकीय पाथ का, वो क्या हो सके, आपका कम हो सके। ठीक है ना, सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए चलिए, क्लियर है, जिनका भी ए है बिल्कुल सही है, जिनका भी ए है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, देखिए अगर बात करें परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी की चर्चा अभी हम लोग की, और परमिटिविटी हम लोग किस में पढ़ते हैं, परमिटिविटी हम लोग बता चुके हैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, हम बहुत बार बताए हैं, ठीक है ना। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आपका वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, उसमें हम परमिटिविटी बताए हैं, जो आपका क्या होता है, जो आपका जो जब हम कैपेसिटर वाला क्वेश्चन का बात किए थे तब बताए थे, ठीक है ना। एप्सिलॉन ए अपॉन डी की जब बात हुई थी तो उसको हम लोग क्या बोले थे, जो आपका एप्सिलॉन होता है वही आपका परमिटिविटी होता है, एप्सिलॉन जो होता है वही आपका क्या होता है, परमिटिविटी होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक एक चीज बताया हुआ है। चलिए क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। एक शक्ति ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है, जो आपका ईडी करंट लॉस है उसको कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, देखिए पटलीकरण की मोटाई कम करके, ठीक है, जो आपका लेमिनेशन है उसका थिकनेस को कम करके, पटलीकरण की मोटाई बढ़ा के, जो आपका लेमिनेशन है उसका थिकनेस को बढ़ा के, चुंबकीय परिपथ में विद्युत ये सॉरी वायु गैप कम करके, जो आपका चुंबकीय परिपथ है उसमें आपका जो एयर गैप है उसको कम करके, वाइंडिंग के लिए अधिक मोटा तार प्रयोग करके, जो आपका वाइंडिंग है उसके लिए अधिक मोटा तार प्रयोग करके, चलिए क्या होगा, आपको आंसर करना है 107 का। चलिए 107 का आंसर कीजिए, बस दो लोग का आ रहा है 107 का, और लोग आंसर कीजिए। एम का आ रहा है ए, पारुल यादव का ए आ रहा है, और लोग आंसर कीजिए। चलिए देखिए अगर बात करें तो भंवर धारा हानि ईडी करंट लॉस कहाँ होता है, तो कोर में होता है, ठीक है, और आपका फार्मूला क्या होता है ईडी करंट लॉस का, पीई और डब्ल्यूई दोनों से डिनोट करते हैं, और कभी भी कोई भी लॉस रहे तो बार बार बता रहे हैं, उसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ये भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। आपको बताए थे कि जो आपका BS PHCL है उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग किस साइड, जो आपका दो बाइंडिंग होता है, दो साइड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग किस साइड सप्लाई देते हैं, तो इतना सारा क्वेश्चन करवाए हैं किस साइड सप्लाई देते हैं, प्राइमरी की साइड देते हैं, ठीक है ना, आपको बता चुके हैं। आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है, ये किस लिए किया जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है कि ऑटो ट्रांसफार्मर उसमें कितना वाइंडिंग होता है, ठीक है ना, उसमें कितना वाइंडिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको और किस नाम से जानते हैं, ये सब आपका बेसिक सा क्वेश्चन आता है। और आपका कोई कोई क्वेश्चन तो एकदम बेसिक सा आ गया, और कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप भी होता है, ठीक है ना। आप लोग एक एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, आप लोग सारा जो टॉपिक है वो आप लोग कवर कर रहे हैं, जो आप लोग सारा सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, सारा सिलेबस आप लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, आप लोग का अच्छे से कवर हो जाएगा। आप लोग कंटिन्यू रेगुलर ये जुड़िए, और 4:30 बजे रेगुलर जुड़िए, आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, इजी भी पूछेगा तब भी आप लोग बना लेंगे, मॉडरेट भी पूछेगा तब भी आप लोग बना लेंगे, और टफ भी पूछेगा तब भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। कोई कोई क्वेश्चन आपका जो बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बताए हैं आपको 3-फेज ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, 3-फेज ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल पूछा है, ठीक है ना, ये आपका वी फे ये स्टार डेल्टा का, ठीक है, स्टार डेल्टा का, कि आपका किस में आपका फेज वोल्टेज सेम होता है, किस में आपका फेज करंट क्या होता है, इस टाइप से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा है, तो वो सब क्वेश्चन भी आपका बताया हुआ है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप लोग सारा क्वेश्चन सही से करेंगे, ठीक है। चलिए
क्या होता है पी या डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है के ई, जो आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है, उसके बाद बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं वी, ठीक है ना। चलिए वॉल्यूम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट में कंसीडर कर लेते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, आपका हिस्टेरेसिस लॉस में भी होता है, ईडी करंट लॉस में भी होता है वी, ठीक है। चलिए तो अगर बात करें थिकनेस, यही आपका थिकनेस है, ये तो आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका वॉल्यूम है, थिकनेस यही है। तो थिकनेस की अगर बात करें तो जो आपका ईडी करंट लॉस है या थिकनेस के स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर थिकनेस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर लेमिनेशन का मोटाई बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अगर थिकनेस बढ़ाएंगे तो ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। वही अगर थिकनेस लेमिनेशन का थिकनेस घटाएंगे तो ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो बोल रहा है कि कम की जा सकती है ये जो आपका भंवर धारा हानि है क्षति है उसको कम की जा सकती है, कैसे कम की जा सकती है, तो जो आपका लेमिनेशन है उसका थिकनेस को कम करके, उसका जो आपका थिकनेस है उसको कम करके, बढ़ा के नहीं करेंगे। आपका वायु गैप से कोई मतलब नहीं है, आपका बाइंडिंग इससे, इस पे आपका क्या कॉपर लॉस डिपेंड करता है, बाइंडिंग 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 में आपका क्या होता है, बाइंडिंग में आपका कॉपर लॉस होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है, मोटर के लिए बी, ये बी पे पावर 1.6 नहीं होता है, वो आपका हिस्टेरेसिस लॉस के लिए बी पे पावर 1.6 होता है, ठीक है ना। और जो 1.6 आप लोग देख रहे हैं ये आपका टिपिकल वैल्यू लिखा हुआ है, किसका टिपिकल वैल्यू लिखा हुआ है, अस्टिमेज कांस्टेंट का टिपिकल वैल्यू लिखा आता है, ठीक है ना। जो आप बोल रहे हैं वो आपका पीएच हिस्टेरेसिस लॉस में होता है, पीएच बराबर के एच बी एम पे पावर, ये सॉरी बी एम पे पावर 1.6 आपका एफ इंटू वी, ये आपका क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस में होता है बी एम पे पावर 1.6, और ये आपका 1.6 जो देख रहे हैं ये आपका टिपिकल वैल्यू लिखाता है किसका, अस्टिमेज कांस्टेंट का, अस्टिमेज कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है 1.5 से 2.5 के बीच लाई करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं टिपिकल वैल्यू 1.6 लेकर चलते हैं, ठीक है। सारी बातें आप लोग को बताई हुई है, सब ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, 108 नंबर पे। चलिए चलिए क्लियर है, 108 नंबर पे आते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच में फेज अंतर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है, 130 डिग्री होता है या 120 डिग्री होता है, चलिए बताइए आप लोग फेज अंतर कितना होता है प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में, फेज डिफरेंस कितना होता है। चलिए आंसर कीजिए, एक सौ आठ का डी आ रहा है। हम क्या पूछ रहे हैं, फेज डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी का बस पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें दो फेज के बीच में ये फेज अंतर कितना है, ये नहीं बोल रहे हैं, बस हम सिंपली बोल रहे हैं कि जो आपका दो बाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर में, जो आपका दो बाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग, उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। चलिए बताइए, देखिए तो उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री का फेज अंतर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। जो आपका फेज डिफरेंस होता है दोनों बाइंडिंग के बीच में कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस दोनों बाइंडिंग के बीच का 180 डिग्री का होता है, ध्यान में रखिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। अगर थ्री फेज की बात करें, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें या थ्री फेज, जहाँ भी थ्री फेज आ जाए, तो दो फेज के बीच में, थ्री फेज में, थ्री फेज की अगर बात करें, ये न्यूट्रल होता है, ये आपका न्यूट्रल है, ये आर वाई बी होता है, ये आपका फेज सीक्वेंस भी पूछ लेता है, फेज सीक्वेंस क्या होता है आर वाई बी होता है। इस टाइम आपका दो फेज के बीच का एंगल जो होता है ये आपका 120 डिग्री होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 180 डिग्री बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही है। पारुल यादव का ए, एम का ए आ रहा है, अंशु कुमार का ए आ रहा है, रोहित सोनी का ए आ रहा है, उमेश बासु का 180 डिग्री आ रहा है,
कुमारी का 180 डिग्री आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज, ध्यान से आंसर करना है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिल इन द ब्लैंक्स है, के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसके रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपको बताना है, मोटर के रूप में, डीसी जनरेटर के रूप में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में, या अल्टरनेटर के रूप में, और क्यों किया जा सकता है आपको ये भी बताना है। चलिए बताइए 109 नंबर का, 109 नंबर का आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर कीजिए, 109 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग। 109 का सी आ रहा है, एम का सत्यम कुमार। चलिए बिल्कुल, सब लोग डेली आइए, ठीक है ना, सब लोग डेली आइए। रोहित सोनी मोटर, और अगर बात करें तो मोटर बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, मोटर बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या बताएं आपको, देखिए ट्रांसफार्मर बना लीजिए, ट्रांसफार्मर आप लोग बना लीजिए, ठीक है, यही आपका क्या है, स्टेप अप बोल रहा है। चलिए बना दिए बाइंडिंग तो ठीक है, इसको थोड़ा और ज़्यादा बना देते हैं। यही आपका क्या दिख रहा है, आपको देख के ही लग रहा है कि ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्यों स्टेप अप बोलेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो प्राइमरी से ज़्यादा आपको दिख रहा है सेकेंडरी में बाइंडिंग, ये आपका N1 है, ये आपका क्या है N2 है, आपका N1 से ज़्यादा आपका N2 का बाइंडिंग रहेगा तभी आप लोग क्या बोलेंगे, N2 में ज़्यादा लपेटों की संख्या रहेगी तभी आप लोग बोलेंगे कि स्टेप अप है। ये आप एकदम बेसिक सा जानते हैं, ठीक है, N2 ग्रेटर देन N1 तो V2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V1 और I2 लेस देन I1, यही हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन है तब ये हो जाएगा। और आपको पता है कि ये स्टेप अप कब होगा, जब इधर साइड प्राइमरी इधर है तो इधर साइड आप क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है, इधर साइड आप क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। देखिए ये AC का सिंबल बना है क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर में कैसा सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई देते हैं, इसीलिए ये क्या है, AC सोर्स हम बनाए हैं, ठीक है। और इधर हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे, इधर हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे तभी ये आप क्या है, ये आप लोग अब बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग सप्लाई देंगे हम लोग को क्या मिलेगा, मतलब कि जो सब वोल्टेज रहेगा प्राइमरी में हम लोग को बढ़ा के मिलेगा सेकेंडरी के साइड, ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ही है, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ही है। चलिए क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ही है, ये तो समझ आ गया। अब देखिए अगर हम क्या करें, ये बाइंडिंग एज इट इज़ रहने दें, बस जो आपका ट्रांसफार्मर बना हुआ है, जो आपका ट्रांसफार्मर बना हुआ है, इधर आपका ज़्यादा बाइंडिंग है और इधर आपका कम बाइंडिंग है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करना है, बाइंडिंग वगैरह को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस जो आपका लोड है उधर साइड क्या कर देंगे, सोर्स कनेक्ट कर देंगे, और जिधर आपका पहले सोर्स था उधर साइड क्या करेंगे, लोड लगा देंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका ये पहले स्टेप अप था तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इसमें देखिए अगर ये आपका N1 है, ये आपका N2 है, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जा रहा है, आपका N1 जो है लेस देन है किससे, आपका N2 से, या फिर इधर सोर्स कनेक्ट कर दिया तो ये भी चेंज कर दीजिए, आप N1 कर दीजिए, ये N2 कर दीजिए, तो आपका क्या हो जा रहा है, देखिए आपका N2 कम हो जा रहा है, N1 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, आपका V2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, V1 आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, करेंट आपका क्या हो जाएगा, करेंट आपका सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगा, प्राइमरी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्राइमरी हम लोग ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी के साइड होगा, मतलब कि जो राइट साइड होगा उसको हमेशा सेकेंडरी बोलेंगे और जो लेफ्ट साइड होगा उसको प्राइमरी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे डिसाइड करते हैं, तो सोर्स और लोड से डिसाइड करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि जो हम राइट साइड बना दिए वो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, और जो लेफ्ट साइड है वो प्राइमरी हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी,
ये जो हम लोग लोड, जो हम लोग लोड और सोर्स कनेक्ट करते हैं उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर लोड हम लोग क्या कर दें, लोड हम लोग अगर इधर साइड लेफ्ट साइड कनेक्ट कर दें, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। अगर सोर्स हम लोग राइट साइड कनेक्ट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या बना लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लिए, बस क्या करके लोड और सोर्स को इंटरचेंज करके, ठीक है ना। हम ट्रांसफार्मर लाए, हम ट्रांसफार्मर खरीद के लाए, मेरा मन कि हम ये जिधर सोर्स था उधर हम लोग लोड कनेक्ट कर देंगे और जिधर लोड था उधर क्या करेंगे, सोर्स कनेक्ट कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जो पहले स्टेप अप कर रहा था वो क्या करेगा, स्टेप डाउन ये स्टेप डाउन करने लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम लोग स्टेप डाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलिए बिल्कुल सही है, सबों का बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर। वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित, इस प्रकार डिजाइन किया जाता है जिससे कि उसमें लॉस क्षति न्यूनतम रहे, ठीक है, उसमें आयरन लॉस क्या रहे, मिनिमम रहे, क्योंकि बोल रहा है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसको किस इस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें जो आपका आयरन लॉस है वो क्या रहे, मिनिमम रहे। ये क्यों किया जाता है, देखिए लौह क्षति के, ये लौह क्षति से समय एक रूपता पैदा होती है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि आयरन लॉस काउजेज टाइम अन इनफॉर्मिटी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लौह क्षति से इंसुलेशन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जब आपका आयरन लॉस होता है तो इंसुलेशन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लौह क्षति से ट्रांसफार्मर तेल गर्म हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि जब आपका आयरन लॉस होता है तो ट्रांसफार्मर का तेल है जो गर्म हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो 24 घंटा उत्तेजित रहती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आयरन लॉस क्या हो, आयरन लॉस न्यूनतम हो। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारुल यादव का डी आ रहा है, विक्की वसंत का डी आ रहा है, सत्यम कुमार का डी आ रहा है, एम का डी आ रहा है, रोहित सोनी का 24 घंटा गर्म रहता है, बुद्धा हेल्थ केयर पटना डी आ रहा है। चलिए देखिए अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, ठीक है, तो जो आप लोग अपने गली मोहल्ले में देखते होंगे उस पर कितना आता है, 11,000, ये 11,000 11 KV आता है, ठीक है, 11 KV वोल्टेज रहता है, ठीक है ना, 11,000 वोल्ट रहता है। आपके घर के पास कितना आता है, आपके घर में जो इक्विपमेंट है वो किस पे वर्क करता है, 230 वोल्ट पे, ठीक है, आपका 230 वोल्ट किस ये घर में आता है। जो आपका 11 KV है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 440 वोल्ट और 230 वोल्ट पे कन्वर्ट करके आपको घर में भेजता है, ठीक है। तो आपका घर में 230 वोल्ट आता है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपने घर का कोई भी स्विच ऑफ कर दिए, कोई भी जैसे आपका फ्रिज चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है, आप लोग बंद कर दिए तो ट्रांसफार्मर से जो आपका ट्रांसफार्मर में जो सोर्स कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो उत्तेजित नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग लोड अगर कनेक्ट नहीं किए हैं तो उसका ये सोर्स उसमें नहीं रहेगा। ये कभी ऐसा देखे हैं क्या कि जब आप लोग स्विच ऑन करते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर के पास जाना पड़ता है कि ट्रांसफार्मर में सोर्स हम लोग देंगे, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी को हम लोग को उत्तेजित करना है, ऐसा तो नहीं करना होता है ना। आप लोग स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका इक्विपमेंट आपका वर्क करने लगता है। लोड कनेक्टेड हो या ना हो, आप लोग लोड को लगाए रखे या ना रखे, आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में हमेशा सोर्स कनेक्टेड ही होगा, हमेशा आपका प्राइमरी जो है एक्साइटेड ही होगा, ठीक है ना। आप लोग सोर्स ये आप लोग लोड लगाए ना लगाए ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपका जो ये नीड है, जो आपकी ज़रूरत है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आयरन लॉस को हम लोग को न्यूनतम रखना है। कि क्यों न्यूनतम रखी जाती है, जो आपका ये ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो क्या होता है, 24 घंटा उत्तेजित रहती है, इसीलिए, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आया है उनका बिल्कुल सही है और आपका ऑप्शन नंबर डी सबों का सही है। चलिए
चलिए बिल्कुल सबों का सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आगे बात करें तो आज का हमारा यही था, ठीक है ना। आज का हमारा यही क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग किए, और उम्मीद है आप लोग को करने में बहुत मजा आया होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, ट्रांसफार्मर चल रहा था, ठीक है ना। हम लोग ट्रांसफार्मर का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और आपका इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो आपका BSPHCL का वैकेंसी आया हुआ है, तो ठीक है इसमें तो पूछे जाएंगे ही, लेकिन अगर आप लोग दूसरी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपका यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपका दूसरा एग्जाम भी होगा तो कुछ भी अलग नहीं पूछेगा, आप लोग बना लेंगे, सारा क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना। हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। चलिए तो अगर बात करें तो आज का क्लास इतना ही तक, और आप ये जो लोगो देख रहे हैं ये आपका स्कोर प्लस एप्लीकेशन का लोगो है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हम लोग मिलेंगे होली के बाद, ठीक है ना। होली के बाद अब हम लोग मिलेंगे, और आप लोग होली का इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। होली इंजॉय कीजिए अब होली के बाद, ठीक है पारुल यादव जी। अब होली के बाद होगी क्लासेस, आप लोग इंजॉय कीजिए होली, और फेस्टिवल है ठीक है, इंजॉय करना है लेकिन पढ़ाई भी करनी है, ठीक है ना। थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाई भी कर लेना है, लेकिन क्लासेस आपकी नहीं होगी अभी, ठीक है। होली के बाद क्लासेस होगी, होली के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए तब तक आप लोग फेस्टिवल इंजॉय कीजिए, सभी को हैप्पी होली। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल।